हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी। ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स स्टैंडर्ड 12 के अंदर। आज हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस टॉपिक के अंदर हम गुडविल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल, मीनिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल, नेसेसिटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड गुडविल से रिलेटेड उसके सम्स हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर दिस लेक्चर विद फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। जय माता दी और स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स स्टैंडर्ड 12 में अकाउंट एज ए सब्जेक्ट में। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बोर्ड के लिए इस मार्क ये जो चैप्टर है उसका वेटेज कितना रहेगा, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में से सेक्शन ए में एक मार्क के लिए एमसीक्यू आएगा 1, देन सेक्शन बी में 1 लाइनर आएगा एक मार्क के लिए, एंड सेक्शन डी में लॉन्ग सम या लॉन्ग थियरी आ सकती है 4 मार्क्स के लिए। तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज हो जाएगा 6 मार्क्स। अब हम समझने जा रहे हैं सबसे पहले गुडविल। अब गुडविल स्टार्ट करें उससे पहले हम 11th स्टैंडर्ड याद कर दें, उसमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमने टर्मिनोलॉजी सबसे पहले देखी थी चैप्टर 1 में। तो उसमें आया था टाइप्स ऑफ असेट्स, तो उसमें दो टाइप्स के असेट्स होते हैं, टेंजिबल असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स। तो इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है? द असेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड विच कैन नॉट बी टच, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो जो असेट्स होते हैं उसको हम कहते हैं इनटेंजिबल असेट्स। और उसके अंदर एग्जांपल्स हमने लिए थे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी एटसेट्रा। तो इसमें हमें सिर्फ इतना ही पता है कि गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल असेट है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग हमें नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, देन उसका मीनिंग हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। तो जब हम ब्रश करते हैं तो कोई भी शॉप में आप जाएंगे, सबसे पहले आप कहेंगे हमें चाहिए कोलगेट। हम दुकान में जाके ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें टूथपेस्ट दो, हम क्या कहेंगे, हमें कोलगेट दो, फिर चाहे भले वो हमें पेप्सोडेंट की टूथपेस्ट पकड़ा दे। तो ये जो हमने शॉप में जाके नाम लिया कोलगेट, तो ये जो ब्रांड नेम है उससे ही हम कोई भी प्रोडक्ट को पहचानते। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी दुकान में जाते हैं, हमें फोटो कॉपी निकलवानी हो, जैसे हमें दिख रहे वैसे वैसे उसकी कॉपी, तो हम क्या कहेंगे, चाचा चाचा हमें एक जेरोक्स निकलवा दे दो, इसकी एक जेरोक्स कॉपी कर दो। तो ये जो जेरोक्स है वो एक मशीन की कंपनी है जिन्होंने ये फोटो कॉपी का मशीन बनाया था, सबसे पहले उन्होंने इन्वेंट किया था, लेकिन हम कहते हैं जेरोक्स। तो ये जो वर्ड्स है हमारे लाइफ में जो ऐसे यूज टू हो गए कि हम एक्चुअल वर्ड बोल के वो ब्रांड का ही हम नाम लेते हैं। तो ये जो हमें ब्रांड नेम दिखा रहा है उसको हम कहते हैं गुडविल। कोई भी हम शॉप में जाएंगे, हम कहेंगे कि हमें ब्रांडेड आइटम्स दिखाओ, हम ऐसा नहीं कहेंगे हमें कोई चालू या जो ऐसे फेंक देने वाली चीज है वो दिखाओ, हम कहेंगे एकदम ब्रांडेड, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो मार्केट के अंदर ऐसी जो कंपनीज हैं कि जिसकी मार्केट में क्वालिटी हाई होती है, उसकी रेपुटेशन हाई होती है एंड उसका ब्रांड नेम हमें हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे यूज हो गए, उसको हम कहते हैं गुडविल। क्लियर? तो गुडविल जो है वो मार्केट में हमें दिखती नहीं है कि वो कैसी है, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। तो ये मार्केट में वैल्यू कब और कैसे अराइज होती है वो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, समझना है गुडविल क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमने कुछ देखा कि हमने कोलगेट का एग्जांपल लिया, जेरोक्स का लिया। फॉर एग्जांपल, हमें कोई भी शूज लेने हो तो कौन से लेंगे, एडिडास, पुमा, स्पेकर्स, स्केचर्स एटसेट्रा। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया वो होते हैं हमारे लिए ब्रांड नेम। तो ये जो ब्रांड नेम कैसे अराइज होता है, तो बॉटम से लेकर टॉप तक उन्होंने सारी जगह पे कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट दिखाई होगी। तो मार्केट में ये जो कंपनीज है उसके कंपैरिजन में सेम बिजनेस यूनिट ले लो, तो उसके कंपैरिजन में उनका प्रॉफिट क्या होगा, हाई होगा। तो हमारा जो प्रॉफिट है दूसरों की कंपैरिजन में हाई है,
वो डिफरेंस जो आया उसको हम कहते हैं गुडविल। क्लियर? अब मीनिंग ऑफ गुडविल, तो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज गुडविल? द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट इज नोन एज गुडविल। कोई भी फर्म ले लो, बिजनेस यूनिट ले लो या फिर कंपनी ले लो, तो मार्केट में उसकी जो रेप्यूटेशन है उसकी वैल्यू को हम कहते हैं गुडविल। या फिर दूसरा मीनिंग कोई भी कंपनी को उसके एक्सपेक्टेशन से उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया उसे हम कहेंगे गुडविल। वो जो डिफरेंस अराइज होगा उसको हम कहेंगे गुडविल। लेकिन गुडविल की जरूरत कब रहती है वो अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस, फिर उसका टाइम पीरियड, उसका नेचर क्या है, उसके कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है या नहीं। ये जो डिटेल में थ्योरी वो हम देखेंगे आगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। क्लियर? देन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल की जो कैलकुलेशन है वो कब जनरेट करनी पड़ती है, कब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है? तो जब हम हमारा पूरा बिजनेस यूनिट सेल करें तब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है गुडविल। क्योंकि हमने इतने सालों से जो भी हमने बिजनेस किया है वो बिजनेस का कुछ ना कुछ हमें ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिलना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे गुडविल। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हमें कोई भी कपड़े खरीदने हो तो हम कहाँ जाएंगे, सेक्टर 21 में या फिर 7 में, अरिहंत में। तो अरिहंत जो है फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस पूरा सेल करना चाहता है, तो ये सपोज मान लीजिए कि अपने नाम के साथ प्राइस रखे 50 लैक्स, लेकिन आप सोचो उसको 50 लैक्स प्राइस मिलेगी जब सेल करेगा तब? नहीं, उससे ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ले लो 70 लैक्स रुपीज उसको मिले, तो ये जो डिफरेंस आया 20 लैक्स रुपीज, ये जो एक्स्ट्रा रुपीज मिला वो है उसकी गुडविल। अगर वो अपने नाम के बगैर खाली प्लॉट सेल करेगा तो कोई उसका बेनिफिट होगा नहीं, लेकिन वो नाम के साथ सेल करेगा अरिहंत नाम के साथ, तो उससे एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे 20 लैक्स उसको हम कहेंगे गुडविल। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो टाइप्स है वो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस में टोटल 4 मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स है उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें देखना क्या है वो पूरा हमने बोर्ड पे देख लिया, अब हम डिटेल में थियरी एंड सम समझने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल। फर्स्ट पॉइंट, फर्म हैज टू टाइप्स ऑफ असेट्स, दैट इज फर्स्ट नॉन करंट असेट्स एंड सेकेंड करंट असेट्स। टाइप्स ऑफ असेट्स हमने 11th में हमने देखा था। नॉन करंट असेट्स मतलब क्या होता है? द असेट्स विच आर होल्ड बाय बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब कोई भी असेट्स जो बिजनेस 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अक्वायर्ड करे तो उसे हम कहते हैं नॉन करंट असेट। एंड सेकेंड करंट असेट्स मतलब द असेट्स विच आर होल्ड बाय बिजनेस फॉर लेस देन 1 ईयर, मतलब कोई भी असेट जो बिजनेस 1 साल से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए अक्वायर करता है तो वो होती है करंट असेट्स। सेकंड पॉइंट, इनटेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वो सब इंक्लूड हो जाता है जो कि बिजनेस के पास 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहता है। देन गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स मतलब क्या होता है कि जो असेट हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल असेट्स। तो उसके एग्जाम्पल्स है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी वगैरह। देन इनटेंजिबल असेट्स कैन नॉट बी सीन बट दे हैव अ वैल्यू इन द मार्केट। हमने आगे डिस्कस किया इनटेंजिबल असेट्स हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। कैसे? तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
Next point, goodwill is also an intangible asset which cannot be seen, but it has its value. मार्केट में गुडविल की वैल्यू होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम बिजनेस को सेल करते हैं तब उसकी वैल्यू जनरेट होती है। तो कैसे होती है उसकी कैलकुलेशन हम आगे देखने वाले हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गुडविल? फर्स्ट पॉइंट, इन सिंपल वर्ड्स, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट व्हिच शोज द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। तो मार्केट के अंदर हमारा जो बिजनेस यूनिट है उसकी रेप्यूटेशन, प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस, वो शो करता है गुडविल। गुडविल जो है वो इनटेंजिबल असेट है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमने आगे डिस्कस किया। देन सेकेंड पॉइंट, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मतलब सपोज हमने 12th में एक्सपेक्ट किया कि हमारे 60% आएंगे, लेकिन 60 की जगह पे 80% आए, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमें कुछ मिले रिटर्न में। तो वैसे ही यहाँ पे बिजनेस के अंदर हम सपोज करें कि 5 लाख प्रॉफिट हमारा होगा करंट ईयर में, लेकिन 5 लाख की जगह पर 7 लाख हो गया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ बिजनेस की रेपुटेशन के कारण, प्रेस्टीज के कारण। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं गुडविल। देन नेक्स्ट पॉइंट, अ फर्म हैज अ गुडविल विच हैज द कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट देन अ कॉमन फर्म एंड इट इज ड्यू टू its own reputation, specific stable customers and other reasons. तो हमारी जो capacity है extra profit earn करने की in comparison with our same business unit, वो किसके कारण होती है? तो market में हमारी reputation, हमारे जो customers है वो stable हो, then कोई भी other reasons, वो हम आगे discuss करने वाले हैं, that is factors affecting goodwill. तो इसके कारण market में हमारी goodwill generate होती है, goodwill arise होती है. Then value of goodwill depends on the profit earning capacity of a firm. तो हमारी जो profit earn करने की capacity है expectation से ज्यादा, हमारे जो same business unit है उससे भी ज्यादा हम profit earn करें, उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। देन इन शॉर्ट वी कैन से दैट गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन दोज बिजनेसेस व्हिच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर लॉस। तो हमारे बिजनेस यूनिट के कंपैरिजन में हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें या कम प्रॉफिट अर्न करें या फिर लॉस में हम बिजनेस करें, तब हमारी गुडविल मार्केट में होगी ही नहीं, मार्केट में हमारी प्रेस्टीज जो है वो जीरो हो जाएगी, हमारी रेपुटेशन ही नहीं रहेगी, तो बिजनेस की गुडविल जो है नहीं होगी। देन गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट्स साइड अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट असेट्स एज इनटेंजिबल असेट्स। ये हमारे लिए 1 मार्क्स का जो एमसीक्यू है, मोस्ट एमपी है। गुडविल कहाँ पे हम लिखते हैं? वेयर गुडविल इज शोन, तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड हम नॉन करंट असेट्स के हेडिंग के नीचे इनटेंजिबल असेट्स में हम गुडविल शो करते हैं। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हम देखेंगे गुडविल कैलकुलेट करते वक्त कौन से जो फैक्टर्स है वो हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस। जब हमारी एक्सपेक्टेशन से या फिर हमारे सेम बिजनेस यूनिट की कंपैरिजन में हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें, वी विल अर्न मोर प्रॉफिट, तभी हमारे बिजनेस की गुडविल अराइज होगी, अदरवाइज बिजनेस की रेपुटेशन मार्केट में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोलगेट, अमूल एंड पार्ले जी है, ये जो बिजनेस यूनिट है उसकी सेम बिजनेस यूनिट की कंपैरिजन में ये तीनों ब्रांड जो है, तीनों कंपनी का प्रॉफिट हाई होगा,
फॉर एग्जाम्पल कॉलगेट के सामने अदर टूथपेस्ट की कंपनी ले लो, तो कॉलगेट जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अमूल जो है वो ऑलमोस्ट सभी जगह पर अमूल ही सेल होता है, अमूल का ही दूध, उसकी सारी मिल्क प्रोडक्ट। देन पार्ले जी, तो बिस्किट्स के अंदर जो पार्ले कंपनी है उसका भी प्रॉफिट अदर सेम बिजनेस यूनिट से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो जो बिजनेस का नेचर है उसमें हमें प्रॉफिट को ध्यान में रखना है, तभी हमारी प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा एंड हमारी गुडविल ज्यादा होगी। देन नेक्स्ट फैक्टर, लोकेशन ऑफ बिजनेस। हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करें उसका लोकेशन जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है। हमारा जो बिजनेस का लोकेशन हमने बिल्कुल डिसाइड किए बगैर ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट तो छोड़ो, हमारा हमारी जो प्रोडक्ट है उसका सेलिंग भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, कैशियो जो कैलसी है, क्लासमेट के बुक्स, कैमलिन का कंपास बॉक्स, तो ये जो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें शॉप जो है वो कहाँ हमें ओपन करनी चाहिए, तो जहाँ पे हमारा जो कस्टमर क्लास है वो स्टूडेंट्स होंगे, तो जहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट हो वहाँ पे हमें स्टेशनरी शॉप ओपन करनी चाहिए। अदरवाइज जहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं है हम ऐसा लोकेशन चूज करें तो हमारी जो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है वो सेल ही नहीं होगी। तो जब प्रोडक्ट्स ही सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा एंड गुडविल भी नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमें लेना है एप्पल का आईफोन। तो फॉर एग्जाम्पल हम आईफोन स्टोर ओपन करना चाहते हैं, आई स्टोर, तो हम ऐसी जगह पर ओपन करेंगे जहाँ पे रिच पीपल रहते होंगे, लेकिन पुअर पीपल जो क्लास रहता है वहां पे हम अगर आई स्टोर ओपन करेंगे तो आईफोन कोई खरीदने नहीं आएगा, हमारा एक भी फोन सेल नहीं होगा। तो जिसके पास ज्यादा पैसा हो, रिच पीपल, वहां पे ही हम आई स्टोर ओपन करेंगे ताकि हमारे आईफोन की बिक्री हो। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड ऑफ बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कंपनी ले लो, जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन 5 साल, 15 साल, 20 साल से अपना बिजनेस यूनिट रन कर रहा है, इन शॉर्ट अपना बिजनेस यूनिट मोर देन 1 ईयर से चल रहा है, पीरियड जो है एकदम हाई है, उसकी गुडविल अदर जो कोई भी कंपनी ले लो जो अभी अभी नई स्टार्ट हुई है उसके कंपैरिजन में ज्यादा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लासेस ध्यान कॉमर्स, पिछले 20 ईयर से कॉमर्स क्लासेस हम रन कर रहे हैं, तो हमारी जो गुडविल है वो अदर क्लासेस से ज्यादा होगी कॉमर्स क्लासेस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पीरियड ऑफ बिजनेस है वो मोर देन 1 ईयर, हम काफी सालों से जो है क्लासेस चला रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस ले लो जिसका टाइम पीरियड है वो 5 साल, 10 साल, 20 साल हो, तो उसकी रेपुटेशन हाई होगी क्योंकि उसका एक्सपीरियंस लेवल हाई होगा अदर कंपेरिजन विथ इन कंपेरिजन विथ अदर बिजनेस यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर, मार्केट सिचुएशन। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, हमने इकोनॉमिक्स में देखा हुआ है कि जो भी मार्केट सिचुएशन होती है, दैट इज मोनोपोली, मोनोपोली स्टेट, ओलिगोपोली एटसेट्रा, तो जो भी बिजनेस यूनिट है जिसकी मोनोपोली ज्यादा होगी उसकी ही गुडविल ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिख रहा है रेलवे, फिर नेस्ले, आईटीसी ग्रुप वगैरह, तो इंडियन रेलवे का एग्जाम्पल ले लो, रेलवे जो है वो सिर्फ इंडियन चल रही है हमारे यहाँ, और कोई भी कंपनी नहीं है रेलवे के लिए। टूर्स एंड ट्रैवल्स होंगे लेकिन वो लग्जरी में होंगे, बसेस में होंगे, लेकिन रेलवे जो है वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में, तो उसकी गुडविल जो है आईआरसीटीसी की वो हाई होगी। तो जब मोनोपोली हो वो बिजनेस यूनिट की गुडविल एकदम हाई होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स एंड वर्कर्स एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे हमने सारी जो भी कंपनी हमने देखी वो फिलहाल एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, तो उनकी जो रेपुटेशन है वो उनके मैनेजर्स के कारण है, उनके वर्कर्स के कारण, एम्प्लॉइज के कारण। जब वो अच्छा काम करेंगे, जब अच्छी एफिशिएंसी दिखाएंगे, तब प्रोडक्टिविटी हाई होगी, उनकी रेपुटेशन मार्केट में हाई होगी, तभी हमारी गुडविल अराइज होगी। देन नेक्स्ट फैक्टर, अदर स्पेशल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस के पास कोई एक्स्ट्रा ऐसी ऐसा बेनिफिट्स हो जिसके कारण हम हमारे सेम बिजनेस यूनिट्स के अलग हो हम, जैसे कि हमारे पास कॉपीराइट हो, पेटेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो लोगो है वो हमने कॉपीराइट करवाया हुआ है, तो हमारी परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। पेटेंट जो है
कोई भी मेडिसिन ले लो तो उसकी पर्टिकुलर फॉर्मूला होती है, तो वो फॉर्मूला वो मेडिसिन कंपनी पेटेंट करवाती है, तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। जिसकी पेटेंट करवाई हुई मेडिसिन होगी उसकी मार्केट में रेपुटेशन हाई होगी। देन अभी फिलहाल चल रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो कोई भी कंपनी ले लो वो जीएसटी रजिस्टर्ड होगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। देन बिजनेस के पार्ट्स, कोई ऐसा अचीवमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल सेम बिजनेस यूनिट्स की कंपटीशन में वो फर्स्ट आया हो, उसकी प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी हाई हो, फूड एंड ड्रग्स के पास से उसको सर्टिफिकेट मिला हो, तो कोई भी ऐसा बिजनेस से जुड़ा हुआ सर्टिफिकेट्स जो बिजनेस का अचीवमेंट शोज कर रहा हो, उसके रेपुटेशन शोज कर रहा है, क्लियर? तो इतने पॉइंट्स हमने देखे जो गुडविल है उसको अफेक्ट करता है, क्लियर? तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रॉफिट हाई होगा तभी मार्केट में हमारी रेपुटेशन हाई होगी, गुडविल हाई होगी, क्लियर? नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत कब रहती है बिजनेस यूनिट को, वो हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस यूनिट जब सेल हो रहा हो, पूरा बिजनेस यूनिट उसके नाम के साथ हम अगर सेल करें तो उसकी गुडविल हमें कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हुआ था सेक्टर 21 में अरिहंत गार्मेंट्स, तो जब अरिहंत जो है वो उसकी ओनली शॉप सेल करे विदाउट नेम तो उसकी जो प्राइस आएगी वो कम आएगी, लेकिन अरिहंत जो नाम जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्राइस रखी 20 लाख रुपीज, लेकिन 20 लाख नहीं आएंगे। जब हम बिजनेस पूरा सेल करेंगे तो हमें 20 लाख की जगह पे 30 लाख 40 लाख मिल सकता है, तो बिजनेस के नाम के कारण जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिल रहे हो एट द टाइम ऑफ सेल तो वो हमारे लिए गुडविल होगी, तो तब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ कंपनी द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। तो कोई भी बिजनेस यूनिट हो या फिर कोई भी कंपनी हो तो उसकी गुडविल हमें कब कैलकुलेट करनी होगी, जब वो अमलगमेशन, अब अमलगमेशन वर्ड हमारे लिए नया है, तो जब एक या दो कंपनी मर्ज हो रही हो तो उसको हम कहते हैं अमलगमेशन, एक साथ बिजनेस यूनिट रन करे। अभी फिलहाल हमें पता है आइडिया एंड वोडाफोन जो सिम कार्ड की कंपनी है वो दोनों अपना बिजनेस यूनिट अब एक साथ चलाएंगे, इन शॉर्ट वो दोनों मर्ज हो गई है, तो ये हुआ अमलगमेशन। एंड एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, कोई एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट को टेक ओवर कर ले, उसका पूरा जो बिजनेस है वो खरीद ले और नाम अपना ही रहे, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, तो तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। नाउ नेसेसिटी फॉर गुडविल इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इट मे ऑल्सो अराइज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पार्टनरशिप के अंदर हमें गुडविल कैलकुलेशन की जरूरत कब रहेगी उससे रिलेटेड, फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बिजनेस के अंदर जो भी पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल करंट एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो 1:1 और वो चेंज करके करे 2:3, तो तब हमें पार्टनरशिप फॉर्म में गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नया पार्टनर हम ऐड करें, सपोज दो पार्टनर बिजनेस रन कर रहे हो लेकिन उनको ज्यादा पैसे की जरूरत हो या फिर ज्यादा मैन पावर की जरूरत हो, कोई भी, तो कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा हो तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, हमारे इंडिया के अंदर नॉर्मल जो रिटायरमेंट एज है वो 60 ईयर्स है, तो 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाए पार्टनर,
तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि ये जो हमने बिजनेस रन किया हुआ है इतने सालों से, तो उसका भी हिस्सा रहा होगा, तो वो अपने शेयर की गुडविल ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल, करंट पार्टनर जो है उनमें से कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो उन्होंने जो बिजनेस के लिए काम किया हुआ है तो उनको प्रॉफिट के साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगी, दैट इज गुडविल। तो जब उनकी डेथ हो जाए तो उनके फैमिली मेंबर्स को या फिर रिलेटिव्स को हमें गुडविल का शेयर भी प्रोवाइड करना होगा, तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल, हमने आगे लिया था कंपनी में वोडाफोन एंड आइडिया मर्ज हो गई, तो अब वो वीआई हो गई है। तो ऐसा ही जब पार्टनरशिप फर्म में हो, दोनों मर्ज हो जाए, तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी दोनों पार्टनरशिप फर्म की, या फिर जितनी पार्टनरशिप फर्म मर्ज हो रही हो उनकी। देन कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपना बिजनेस यूनिट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो, तो तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। हमने पार्टनरशिप फर्म में जो भी काम किया है वो गुडविल कैलकुलेट करके हम कंपनी जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें फायदा क्या होता है, तो कंपनी में हमें करोड़ों में कैपिटल मिलती है पब्लिक के पास से, एंड हमें इंटरनेशनल मार्केट हमें मिलता है, तो हम हमारे बिजनेस को एक इंटरनेशनल मार्केट में हम ले जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो भी थियोरी देखी वो नोट डाउन कर लेना, एंड कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो क्लास पे या फिर कॉल करके पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड उसके सम भी हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक रखते हैं, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications.